अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। बात करेंगे ड्रेस कोड की, मॉल्स में या कमर्शियल मार्केट्स में जब हम विजिट करते हैं तो कपड़ों के बारे में कि कपड़े जो हैं कैसे पहने होने चाहिए। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है अकोमोडेशन, जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं उनकी अकोमोडेशन के बारे में आज 17 सितंबर 2020 जुमेरात के दिन पब्लिक अफेयर कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल उनकी एक मीटिंग हुई, एक कह लें इजलास हुआ, जिसमें यह सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और जितने भी दोस्त अब आप मॉल विज़िट करते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल विज़िट करते हैं, कोई भी कमर्शियल मार्केट विज़िट करते हैं, तो वहाँ जाने के लिए जो है स्पेशल ड्रेस कोड जो है वो कहा गया कि उसको फॉलो करें। पहले भी एक्चुअली कहा जाता रहा, लेकिन अभी कंप्लेंस आती हैं क्योंकि ये लोकल जो सोसाइटी, उमानी सोसाइटी जो है, कल्चर जो है उमानी कल्चर, उसके ख़िलाफ़ है कि कंधे नंगे हों या आपके घुटने जो हैं वो नंगे हों। तो जो ड्रेस कोड है, किसी भी कमर्शियल मार्केट्स में जाएं, किसी भी कह लें कि शॉपिंग मॉल में जाएं मार्केट में, तो आपने आपके जो है कंधे वो ढके होने चाहिए और आपके घुटने जो हैं यानी मोड़े और गोडे ये आपके छुपे होने चाहिए। और शॉर्ट्स जो पहनते हैं, कच्छे जो पहनते हैं कह लें शॉर्ट्स, कार्गो शॉर्ट्स जो होते हैं उनको चलें जो पंजाबी ज़रा आते हैं उनके लिए कच्छा बोलते हैं, तो वो जो है वो आपके घुटनों से गोडों से नीचे होना चाहिए और आपके कंधे जो हैं वो भी ढके होने चाहिए। दिस इज़ द न्यू ड्रेस कोड। और कहा गया है कि हर बंदा जो भी 2000 विजिट करते हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करें और इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे अक्सर कुछ लोगों जिन्होंने शॉर्ट्स पहने होते हैं उनको एंट्री नहीं, इजाज़त नहीं देते, एंट्रेंस पे जो है उनको कहते हैं जी नहीं, आपने जो क्लॉथ हैं वो विजिबल नहीं है जाने के लिए अंदर, तो नहीं जा सकते। इसी तरह मेरे साथ वाकया हुआ था कुरम पार्क में, आपको पता होगा बहुत साल पहले 2011-12 में जो है जो सालाना फेस्टिवल होता था मस्कत फेस्टिवल, वो कुरम पार्क में होता था, तो बाद में वो अमीरात पार्क में और नसीम गार्डन में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, तो कुरम गार्डन में जो है हमें नहीं जाने दिया गया था, मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था। सो इसी तरह मॉल्स में भी अक्सर जो है रिसेंटली मैंने एवनी मॉल में देखा था, वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर सका क्योंकि पाबंदी है किसी भी मॉल की वीडियो शेयर करने पर, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो आपको जो है वो ऑफकोर्स कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सो इंशाल्लाह खैर जैसे मुझे परमिशन मिलेगी अपनी मॉल की जो है वो कुछ व्लॉग्स बनाए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वहाँ पर मैंने एक देखा था उन्होंने एक दूसरे नेशनल को जो है नहीं जाने दिया, उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। सो इसीलिए ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, बाकी एडल्ट्स के लिए जो है सबके लिए सेम रूल है, लाजमी जो है वो कंधे कवर होने चाहिए और आपकी टखने जो हैं सॉरी घुटने घोटे जो हैं वो ढके होने चाहिए, छुपे होने चाहिए। उसके अलावा ये नहीं कहा गया कि टाइट पहने या लूज पहने, दिस इज़ योर चॉइस। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जितने भी मजदूर रहते हैं, जितने भी वर्कर्स रहते हैं, उनकी जो अकोमोडेशन है उसके बारे में जो है वो डिस्कस की गई कि उसको एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर इतनी नहीं होती जितनी के होनी चाहिए। सो वहाँ पर जो है वो अभी तक डिस्कशन जारी है, उसमें मजीद आने वाले वक्त में जो है डिटेल इशू की जाएंगी कि जो ऑन साइट अकोमोडेशन बनाई जाती है क्योंकि वो टेम्प्ररी होती है तो वहाँ पर इतने इंतजाम नहीं किए जाते, उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री जो है वो गाइडलाइन इशू करेगी, देन उसको फॉलो करना होगा। सो इट्स वेरी गुड, जितने भी हमारे वर्कर दोस्त अब आप हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि दे विल गेट एटलीस्ट बेटर अकोमोडेशन दैन नाउ। सो इंशाल्लाह इसके अलावा मजीद खबरें आप चैनल पर विजिट करते रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।